नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीन प्रकार के भेल सिखाने वाली हूँ। भेल एक इंडियन स्ट्रीट फूड है और ये हम सबको बहुत पसंद आता है, तो चलिए भेल बनाना शुरू करते हैं। भेल बनाने के लिए एक स्पेशल चटनी बनाई जाती है। मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून सेव, 4 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 कली लहसुन, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं डाल रही हूँ 1 कप धनिया, आधा नींबू का रस। अब मैं चटनी को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इस चटनी को दरदरा पीसा है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। आप इसे कोई भी स्टार्टर के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारी भेल की चटनी बनके तैयार है। मैंने 3 टेबलस्पून चटनी ली है और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो भेल एकदम सौगी हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 1 टेबलस्पून पानी और डालिए। आप ये कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिए, हमें इसी प्रकार का कंसिस्टेंसी बनाना है। मैंने 12 सॉल्टी बिस्किट लिए हैं और इसे मैं हाथों से क्रश कर रही हूँ। आप कोई भी प्रकार के सॉल्टी बिस्किट ले सकते हैं। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीज़ फ्लेवर के बिस्किट, 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बूंदी, 2 टेबलस्पून तली हुई चने की दाल, 2 टेबलस्पून सींग, 3 टेबलस्पून ककड़ी के टुकड़े, 3 टेबलस्पून टमाटर के टुकड़े, 3 टेबलस्पून प्याज के टुकड़े। अब मैं इसमें हमने जो चटनी का मिक्सचर रेडी किया था वो मैं डाल रही हूँ। अब हम सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद में लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ सेव। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट है, आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। हमारी बिस्किट भेल बनके तैयार है। सर्व करने के समय ऊपर से थोड़ी सेव डालेंगे। बारीक कटे हुए धनिए से इसे सजाएं और सर्व करें। झटपट भेल हम पेरू की चटनी के साथ बनाने वाले हैं। पेरू की चटनी इस भेल को लाजवाब टेस्ट देती है। पहले मैं पेरू की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 8 से 10 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन, 1 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून शक्कर। मैं एक मीडियम साइज़ का पेरू ले रही हूँ जो पका हुआ है। नमक स्वाद अनुसार 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1.5 कप धनिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। अब हम सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। आप इस चटनी को कोई भी स्टार्टर के साथ में, रोटी पराठा के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब मैं झटपट भेल बना रही हूँ। ये गोल्डन मिक्सचर है, आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगा। 1/2 कप मिक्स फरसान, 1/2 कप पोटैटो की सल्ली। इसे हाथों से रफली क्रश कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप बूंदी, 3 टेबलस्पून मसाला सींग, 3 टेबलस्पून मकई के दाने, 3 टेबलस्पून प्याज, 3 टेबलस्पून टमाटर, 3 टेबलस्पून ककड़ी। सारी सामग्री को हल्के हाथों से मिक्स कीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। नमक आप सावधानी पूर्वक डालिए। पहले मैं 4 टेबलस्पून गुआवा चटनी डाल रही हूँ। अब हम सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। हमारी क्विक चाट बनके तैयार है। इसे मैंने थोड़े से सेव से सजाया है। झटपट भेल रेसिपी गर्मी के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है और ये सबको पसंद आती है। आप इसे ज़रूर बनाएं। मकई की भेल छोटे से बड़े सबको बहुत पसंद आती है और ये एक हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए मकई की भेल बनाना शुरू करते हैं। 1 कप बॉइल्ड मकई के दाने,
उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप तीखी वाली बूंदी, 3 टेबलस्पून टमाटर, 3 टेबलस्पून ककड़ी, 3 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून भेल की चटनी। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अनार के दाने। वाव दोस्तों, कितना सुंदर दिख रहा है, जिसे देखते ही खाने का मन हो जाए। हमारी कॉर्न भेल बनके तैयार है। मैं ऊपर से थोड़े और अनार के दाने लगा रही हूँ और ये मिक्स फरसान है वो उस पर डाल रही हूँ। धनिया के पत्तों से हम सजाएंगे। हमारा कॉर्न भेल बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।